अजयगढ़ में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, हम सरकार के मंत्रिमंडल के कर्मठ मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन मीना राजे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, विवाह के कार्य में लगे हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासन के साथी, मेघनगर में उपस्थित आदरणीय कल सिंह भाबर जी, सांसद जी बैठे शायद मेरी सूची में नाम आम लिखा करो यार, तुम परफेक्ट नहीं लिखते हैं। गुमान सिंह डामोर जी, निर्मला बहन भी बैठी है सर, यहाँ सब सूरत थोड़ी थोड़ी दिख रही है, ललिता मुकेश जी, सुशीला गौर जी, संगीता जी, सभी वैवाहिक कार्य में लगे हुए साथीगण, रामा में उपस्थित, अया गुमान सिंह जी रामा में है जी जी जी, लिखा हुआ है इसमें, ये कल सिंह जी वगैरह है मेघनगर में, रामा में भी जो साथी उपस्थित है, सोम सिंह सोलंकी जी, हर्ष करवाल सिंह जी, रूपेश, श्रीमती रूपा रमेश मैना जी, संतोष रमेश डामोर जी, हमारे सभी बहनों भाइयों, आज मेरी जिन बेटियों का विवाह हो रहा है, मेरी लाडली भांजियों और हमारे सारे दामान भांजे दामान, उन सबको मैं आज हृदय से शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं। यहीं से दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत व्यवस्थित जोड़े बैठे हुए हैं और स्नेह और प्रेम से ये विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। ये विवाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है। मैं जब पहले ही टाइम मुख्यमंत्री बना था, उस समय कई बार कई गरीब भाई और बहन इस बात से परेशान रहते थे कि शादियों में काफी खर्चा हो जाता है, इसलिए बेटी बोझ है। मैंने तब कहा था कि मामा के होते हुए बेटियां बोझ नहीं रह सकती, बेटियां वरदान है, हम बेटियों की शादी करेंगे, तब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी। और केवल मुख्यमंत्री कन्यादान नहीं, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, हमने 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहनों और बेटियों को दिया ताकि वो आगे बढ़ के काम कर सके। मेरी बहनों और भाइयों, महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का लक्ष्य और मिशन है। बहनों की और बेटियों की आंखों में आंसू ना रहे, उनकी जिंदगी में आनंद आना चाहिए, प्रसन्नता आना चाहिए। अभी लाडली बहना योजना 10 तारीख आ रही है पास, 1,000 रुपया मेरी हर गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहन के खाते में डाला जाएगा। लेकिन उसी की एक कड़ी है ये मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। भारतीय संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार है, हम कहते हैं जन्म जन्म का साथ है, आत्माओं का पवित्र बंधन है। शरीर दो होते हैं लेकिन विवाह के बाद आत्मा तो एक ही हो जाती है। मैं सभी वर और वधुओं को आशीर्वाद देता हूं, तुम हमेशा सुखी रहो, निरोग रहो, तुम्हारा मंगल और कल्याण हो। मेरे तीनों दोनों कलेक्टर भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूं कि अब इन बेटियों का विवाह हो रहा है तो कौन कौन सी योजनाओं की पात्रता और इनको ये भी देख लें, और बाकी भी किसी योजना का लाभ, चाहे वो अपने राज्य सरकार की योजनाओं का हो या हमारे प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की योजनाओं का, मोदी जी का हो, उस लाभ की पात्रता भी दे देंगे। मेरी बेटियों, ये लाडली बहना योजना में भी अब पात्रता हो गई, तुम विवाह के बाद 23 साल की उम्र हमने रखी है, तो वो भी अभी तो 10 जून को पैसा डल जाएगा, लेकिन बाद में इनका नाम भी जो पात्रता आएगी हम लाडली बहना योजना में भी जोड़ेंगे। इतने व्यवस्थित विवाहों के लिए मैं प्रशासन को भी, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी,
हमारे सभी काम में लगे हुए साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बेटियों से फिर ये कहता हूँ, मामा की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, दोनों परिवारों को प्रसन्न रखो और अपना जीवन आनंद से समाज का भी भला करते हुए आप व्यतीत करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी चूंकि अजयगढ़ में उपस्थित है तो बाद में उनका उद्बोधन और बाकी हमारे साथीगण जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनके उद्बोधन भी होंगे। मैं तो अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार। बस बेटियों के खाते में 49,000 रुपया सीधे पहुंच जाए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कमलनाथ ने तो कांग्रेस ने कह के नहीं दिए थे, मिला ही नहीं था कुछ। ये कई योजनाएं कांग्रेस ने बंद कर दी थी उस जमाने में, एक नहीं अनेकों योजना। ये 1,000 रुपया भी बेगा भारिया सहरिया बहनों को देते थे, वो भी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी, लेकिन अपना पैसा सीधे खाते में तत्काल पहुंच जाए ताकि बेटियां अपनी मर्जी से सामान खरीद सके गृहस्थी का। बहुत बहुत धन्यवाद।